जनपद हापुड़ सिंभावली ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले गांव पीरनगर में जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा होड़ का स्वागत किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष ने सभी क्षेत्रवासी और गांव वासियों को विकास कार्य गिनाते हुए कहा कि पूरे जिले का विकास कराया जाएगा, कोई भी गांव विकास से वंचित नहीं रहेगा। हर गांव में नाली, सड़कें, बिजली, पानी सभी की व्यवस्था की जा रही है। ग्रामीणों को स्वच्छ जल के लिए जल निगम की तरफ से गांव-गांव में पानी की टंकी की व्यवस्था की जा रही है। जो कच्चे रास्ते हैं उन रास्तों को पक्का किया जा रहा है। हर गांव को सड़कों से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि ग्रामीणों की समस्याओं को देखते हुए सड़कों की बड़ी खस्ता हालत ग्रामीण क्षेत्र में नजर आती है और हर रास्ते हर सड़क को पक्का किया जा रहा है। गांव में विकास किया जा रहा है, कोई भी गांव विकास कार्यों से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। क्षेत्र के लोगों की और ग्रामीणों की कोई समस्या हो तो उन्हें बताएं। ग्रामीणों ने अपनी समस्या बताया और क्षेत्र के लोगों ने कहा कि क्षेत्र का पूर्ण रूप से विकास होना चाहिए, जिससे जिले का नाम रोशन हो सके। सभी ग्रामीण वासियों को, क्षेत्रवासियों को जिला पंचायत अध्यक्ष ने आश्वासन देते हुए कहा कि विकास कार्य कराए जा रहे हैं, जो विकास कार्य अधूरे पड़े हुए हैं उन्हें जल्दी पूरा किया जाएगा। इस मौके पर पूर्व प्रधान पीरनगर अनिल प्रधान उर्फ कालू देवेंद्र प्रधान, राजकुमार त्यागी, नरेश शर्मा, अल्पसंख्यक मोर्चा के महामंत्री खालिद राणा, समीर त्यागी, अनिल त्यागी, सौरभ गुड्डू, अंकित नरेश, पूर्व ग्राम प्रधान चौधरी मुंशी ओपेड़ा, ग्राम प्रधान सुभाष समाज से भी मौजूद रहे। अच्छा, अब यहाँ सर, यहाँ जो आज लोग इकट्ठा हुए हैं, इसका पूरा उद्देश्य क्या है बताएंगे? सबसे पहले तो हम सभी ग्रामवासी, सभी क्षेत्रवासी, वहाँ जिला पंचायत चेयरमैन है रेखा नागर जी, उनका और जो 2024 का चुनाव है आने वाला, उसके संदर्भ में सभी लोगों को जागरूक किया है कि आने वाले समय में मोदी जी को हमें प्रधानमंत्री बनाना है और देश को सशक्त बनाना है। लोग इकट्ठा हुए हैं, इसका पूरा उद्देश्य क्या है बताएंगे? मेरे सम्मुख बंधु, समारोह स्वागत का है, लेकिन इसका जो उद्देश्य है, वो जो आने वाला 24 का चुनाव है, उसमें पुनः मोदी जी को इस देश का नेतृत्व करने के लिए स्थापित करना है और इस देश को सशक्त और मजबूत बनाना है। इतना ही नहीं, जो भाजपा कार्य कर रही है उन कार्यों से भी जनताओं को अवगत कराना है और जनता की जो समस्याएं हैं वो भी सुननी है, वो भी सुन के शासन प्रशासन तक उच्च जो प्रतिनिधि कर रहे हैं, जो उच्च भाजपा के शीर्ष नेता हैं, उन तक भी जनता की आवाज़ को सुन के समझ के वो पहुंचाने का हम काम करें। बोलो, गन्ना का नाम होने का रास्ता चाहिए सर। यहाँ जो आज लोग इकट्ठा हैं, पूरा उद्देश्य क्या है बताएंगे? यहाँ जो आज जिला पंचायत चेयरमैन है रेखा नागर जी, उनके सभी लोगों ने स्वागत किया है। चुनाव जीतने के बाद वो यहाँ आए नहीं भाई थे, बोलो यहाँ जो आज लोग इकट्ठा हुए हैं, इसका पूरा उद्देश्य क्या है बताएंगे? पहले तो हम सभी ग्रामवासी, सभी क्षेत्रवासी, वहाँ जिला पंचायत चेयरमैन है रेखा नागर जी, उनका स्वागत किया और जो 2024 का चुनाव है आने वाला, उसके संदर्भ में सभी लोगों को जागरूक किया है कि आने वाले समय में मोदी जी को हमें प्रधानमंत्री बनाना है और देश को सशक्त बनाना है।